मेरा नाम दया सागर साहू है। मेरे पिता का नाम विजय कुमार साहू है। मैं जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मुझे हकलाने की समस्या थी, इसलिए मैं सूरज स्टैमरिंग केयर सेंटर मैहर में अपना इलाज करवाने 20 दिनों पहले आया था और आज यह मेरा आखिरी दिन है। मेरी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम सबसे पहले 9th क्लास में मुझे पता चली और परेशानी हुई। इससे पहले मेरे को ब्लॉकेज नहीं आए, पर 9th क्लास में जब मैं गया तो सर लोग मुझसे सवाल पूछते तो मैं जानते हुए भी चुप हो जाता था, क्योंकि अगर मैं बोलता तो सर को पता चल जाता और पूरे क्लास को पता चल जाता कि मैं हकलाता हूँ और मेरे को ब्लॉकेज आते हैं। उसके बाद मेरे इस स्टैमरिंग के चलते 10th 11th 12th में बहुत प्रॉब्लम आई। कहीं कहीं मैं रुका तो लोग हंसे, टिकट घर पर और कहीं रेलवे स्टेशन पर, किसी दुकानदार से सामान लेने तक मैं नहीं जाता था, क्योंकि मैं वो लोगों से बात करते वक्त हकलाने लगता था, जिसके चलते मैं कुछ बोल नहीं पाता था। यह स्टैमरिंग मुझे अंदर ही अंदर बहुत कमज़ोर बना दी। उसके बाद मैंने BSc के लिए अप्लाई किया। फिर मैंने एक साल आकाश इंस्टीट्यूट में एक साल नीट की कोचिंग की, पर हकलाहट के कारण मुझे बहुत परेशानियां हुई। मैं टीचरों से डाउट नहीं पूछ पाता था, जिसके चलते मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैंने BSc कंटिन्यू करना चाहा, तो उसके बाद फिर मैंने घर पर एक साल अपने खुद से तैयारी की। फिर मैं इस साल सोच लिया कि हकलाहट को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसे ठीक कैसे किया जाए, तो मैं सूरज स्टैमरिंग केयर सेंटर पर आया और यहाँ पर आकर मैंने मेरे हकलाहट को ठीक किया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं अब हकला नहीं रहा हूँ। मुझे यहाँ आकर खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि हकलाहट मुझसे बड़ी नहीं है। यहाँ डॉक्टर BK सिंह सर ने मुझे अच्छे से ट्रेनिंग दी और प्रैक्टिस करवाई, जिससे मेरी हकलाहट अब नहीं आती है। सर ने मुझे यहाँ पर बहुत सारे मोटिवेशनल बातें बताई और यहाँ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखी, जिससे कि मेरे पूरी ज़िंदगी में वह काम आएगी। मैंने सर से यहाँ मेडिटेशन करने का सही तरीका, और यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि यहाँ पर खाना मुझे घर जैसा मिला, और यहाँ पर मेरे जो दोस्त हैं वे बहुत अच्छे थे। वे बहुत परेशानियों का सामना करते मेरे जैसे ही यहाँ आए थे। एक बार की बात है, मैं 12th क्लास में आखिरी दिन फेयरवेल था। उस दिन सबको कुछ न कुछ बोलना था। मेरी बारी आई,
मैं हकला हकला कर बोलने लगा था तो सब हंसने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उस दिन से सोचा कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है। उसके बाद मैंने YouTube पर और न जाने कहां कहां मैंने वीडियोस और ये सब देखे, लेकिन इसमें से कुछ कुछ इतने बेकार थे जैसे एक